चलिए, पिछले क्लास में आपको मैंने डिजाइन करना बताया था, सॉफ्ट के डिजाइनिंग दर्शन होते हैं। एक बेस था आपका जो स्ट्रेंथ क्राइटेरिया था, दूसरा आपका स्टिफनेस क्राइटेरिया था। चलिए इसी से रिलेटेड एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। मैं पहले प्रॉब्लम लिख दे रहा हूँ, फिर सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, मैंने जब प्रॉब्लम बताया था, जैसे ही आपको पावर दिखेगा क्या माइंड में आना चाहिए, पावर और एन दिखे, क्या निकलेगा यहाँ से, टॉर्क। ठीक है, एंड मॉडल्स ऑफ रिलेटेड टीम को मैं सी एन जी लिख दे रहा हूँ। जी इज 81 मेगा पास्कल। एंड एंगल ऑफ प्रेश को मैं थीटा कर दे रहा हूँ, थीटा 1 डिग्री इन 1 मीटर। मैं इसको थोड़ा सा शॉर्ट कर दिया हूँ। एंगल ऑफ रेस्ट इन द शॉट शुड नॉट एक्सीड 1 डिग्री इन 1 मीटर। लिख लीजिएगा, फाइंड क्या करना है, मीटर लाइन द डायमीटर ऑफ द सेल। नोट करिए, जल्दी फिर सॉल्व किया जाए, जल्दी नोट करिए। चलिए मैं रिमूव कर रहा हूँ, फिर मैं गिवन डेटा दे दूंगा। कितना दिया है, मोर देन 20% 1.2 इनटू टीमिंग। टीमिंग कितना है आपको भी टीमिंग नहीं पता है, कोई बात नहीं, आप टीमिंग लिख दीजिए। ठीक है, अब चाहो देखिए, पहले मैं सारा डेटा लिख दूं।
टॉप कितना दिया है 65 मेगापास्कल, ठीक है। और थीटा नॉट एक्सीड क्या बोला है 1 डिग्री। मैंने मेरे को बात कर रहा हूँ, और क्या दिया हुआ है एल, एल आपका दिया है 1 मीटर। चलिए जब मैं प्रॉब्लम सॉल्व कर स्टार्ट किया था तो मैंने आपको पहले ही बताया था सारा डेटा किस में लेना है, न्यूटन और एन। तो पहले देखिए आपका ये पी 300 किलो वाट में दिया, इसको आपको वाट में कन्वर्ट करना है, किससे मल्टीप्लाई करने के 1000 से, ठीक है। अब पी आपको पता हो गया, एन पता, क्या टी मीन वहां से निकाल सकते हैं, हाँ निकाल सकते हैं, किस फॉर्मूले से, पी इक्वल 2 pi n / 60 / t, ठीक है। यहां से टी मीन फाइंड आउट हो जाता है, लेकिन ये टी मीन किसमें होना चाहिए, न्यूटन एनएम में। सेकेंड चीज देखिए टाउ इक्वल 60 मेगापास्कल है, 60 मेगापास्कल है जिसको न्यूटन एनएम में कन्वर्ट करेंगे तो भी 65 ही मिलेगा, ठीक है। थीटा आपका 1 डिग्री है, इसको रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए आपको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, पाई बाय 180। तो याद रखिएगा जब भी थीटा आपको डिग्री में दिया है या लेंथ आपको मीटर में दिया है, लेकिन तो आपका मीटर में है, इसको 100 से मल्टीप्लाई 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1000 एनएम हो जाएगा। थीटा आपको रेडियन में कन्वर्ट करना है, इसलिए पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलिए मैंने गिवन डेटा लिख दिया, अब इसको रिमूव कर रहा हूं, फिर मैं पूरा प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है। यहां तक तो ठीक है, ये सबको मैं कन्वर्ट करते चलूंगा, ठीक है। तो चलिए प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, सर वैल्यू रखता हूं, पी देखिए आपका 300 है, इसको वाट में कन्वर्ट कर दिया 10.3, ठीक है। इक्वल ये देखिए आपका 2 pi है, n n आपका कितना है 500 लिख लीजिए, रन पर मिनट बाय 60 टीमी। क्या यहाँ से टीमी निकल सकता है, हाँ निकल सकता है, कैलकुलेट करेंगे तो आपको टीमी इक्वल मिलेगा 5729.6 न्यूटन मीटर। इसको किस में कन्वर्ट कर दें, एमएम में, ठीक है। ये क्या हो जाएगा 5729.6 × 10³ न्यूटन एमएम, नोट कर लीजिए ये टी मीन है, ठीक। और इसी टी मीन की वैल्यू को अगर हम पुट कर दें इस फॉर्मूले में टी मैक्स, तो क्या हमें टी मैक्स निकल जाएगा, मिल जाएगा, ये नोट कर लीजिए, मैं रिमूव कर रहा हूँ, फिर टी मैक्स निकाल रहा हूँ। चलें आपको टी मीन फाइंड आउट हो गया, अब हम टी मैक्स निकालें, क्या यहाँ से हम टी मैक्स नहीं फाइंड आउट कर लेंगे कितना आएगा टी मैक्स हमें मिलेगा 6.875 × 10⁶ न्यूटन एमएम, नोट करिए। अब देखिए हमें टी मैक्स मिल गया, थीटा आपका दिया हुआ था, उसको कन्वर्ट कर लेंगे किसमें, रेडियन में, तो ये थीटा इक्वल आपको दिया था 1 डिग्री, इसको कन्वर्ट किए तो 1 × π / 180 ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रेडियन में, कर लीजिएगा।
और आपका टाउ दिया था 65 मेगा पास्कल, ये कन्वर्ट हो जाएगा 65 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर, ठीक है। अब हम दोनों क्राइटेरिया फॉलो करेंगे क्योंकि एल भी पता है और जी भी गिवन है, तो चलिए अब हम सॉल्व करते हैं प्रॉब्लम। अब हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ, ठीक है। पहला डायमीटर बेस्ड ऑन स्ट्रेंथ, मैं बता चुका हूं पहले ही स्ट्रेंथ क्राइटेरिया, तो आपको फॉर्मूला बताया था पी बाई जे इक्वल टाउ बाई आर, ठीक है, पी बाई जे इक्वल टाउ बाई आर। तो क्या हम इसको लिख सकते हैं T की वैल्यू कितना आया था 6.875 × 10⁶, ये न्यूटन नैनन में हो गया। J की जगह पाई बाई 32 × 4, ठीक है, इक्वल टाउ, टाउ आपका 65 मेगा पास्कल दिया, 65 न्यूटन पर एम स्क्वायर, और डी की जगह डी बाई टू। इसको सॉल्व करिए, इसको सॉल्व करेंगे तो डी हमें मिलेगा 81 आफ्टर सॉल्विंग डी इक्वल 81.4 mm, ठीक है। ये किस बेसिस पे है डायमीटर, स्ट्रेंथ क्राइटेरिया, ठीक है। आज नेक्स्ट अगर हम फॉलो करें डायमीटर बेस्ड ऑन स्टिफनेस क्राइटेरिया, ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए, मैं इसको नोट करता हूँ, आप एक डायग्राम नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए सेकेंड डायमीटर बेस्ड ऑन स्टिफनेस, ठीक है, बेस्ड ऑन स्टिफनेस। ये बताइए आपको फॉर्मूला पता है T by J equal Z theta by L, कहीं कहीं J की जगह C लिखा होगा, तो उससे कंफ्यूज मत करिएगा, ठीक है। तो T की वैल्यू देखिए क्या दिया हुआ था 6.875 × 10⁶ न्यूटन पर एम स्क्वायर, J pi by 32 × 4 equal G, G आपका मॉडुलस ऑफ एबिलिटी, जी की वैल्यू 81, जी की वैल्यू प्रॉब्लम में क्या दिया हुआ था, हाँ 81 गीगा पास्कल, इसको न्यूटन एमएम बदलेंगे तो 81 × 10³ न्यूटन पर एमएम स्क्वायर हो जाएगा, थीटा आपका दिया 1 °⁰ × π/180, ये कन्वर्ट हो गया आपका रेडियन में, आप डायरेक्ट यहाँ पर कर सकते थे, और एल आपका 1 मीटर दिया है इसलिए 1000 mm, ठीक है। देख लीजिए आपका यही होगा, अब हम इससे सॉल्व करेंगे तो हमें डी आपको मिलेगा इक्वल 83.9 mm, और स्टेन क्राइटेरिया में आपको डी मिला था 81.4 mm, ठीक है। कौन सा आप डाया सेलेक्ट करेंगे फॉर डिजाइनिंग पर्पस के लिए, लिखिए, इसको मैं रिमूव कर दूं, आप नोट कर लीजिए, ठीक है, मैं हटा रहा हूं।
can provide greater diameter. Yeah, provide the D equal. It is 3.9 mm. जब भी आप डिजाइन क्राइटेरिया लगाएंगे, चाहे स्टिफनेस और स्ट्रेंथ, अगर दोनों क्राइटेरिया आप लगा रहे हैं किसी प्रॉब्लम के लिए, तो हमेशा डी वही सेलेक्ट करेंगे जिसमें डी की वैल्यू ग्रेटर होगी फॉर डिजाइनिंग पर्पस। ठीक है, चलिए ये टॉपिक इंटरेस्ट है।